वेलकम बैक टू माई इंस्टाग्राम लाइव इन द सीरीज ऑफ ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट एंड टूडे वी विल टॉक ऑन वाई द सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट एंड वॉट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन टू द ब्रांड बिल्डिंग एंड ब्रांड प्रमोशन। तो क्यों ज़रूरी है ब्रांड बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया, इसके 12-13 कारण हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा आता है वो है ब्रांड अवेयरनेस। जब आप अपने ब्रांड के बारे में कंटेंट डालना शुरू कर देते हो तो लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये नाम का कोई ब्रांड नया आया है। तो इट क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न व्हाई वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सोशल मीडिया टू गेट मोर एंड मोर ऑफ द ब्रांड अवेयरनेस। सेकेंड, इट्स जनरेट द लीड्स, यानी आपको कहीं ना कहीं पे लीड्स मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंटली ब्रांडिंग करते हो सोशल मीडिया के ऊपर में, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लीड जनरेशन करना शुरू कर देते हो, बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग यू। नॉट नेसेसरी कि वो आप इमीडिएटली आपको बिजनेस दे, वो लीड या वो प्रोस्पेक्ट। ये हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं आपके कॉन्टेंट के ऊपर में। तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट फ्रॉम द सोशल मीडिया यू विल स्टार्ट जनरेटिंग द लीड्स। डिपेंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर डीलिंग इन टू। तो ये बहुत ज़रूरी कि आपको लीड जनरेट भी करनी है, तभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको हेल्प करती है आपके ब्रांड बिल्डिंग के अंदर में। तीसरी आती है नर्चरिंग ऑफ द लीड। जैसे मैंने बताया, नॉट नेसेसरी कि जो भी लीड्स या जो भी इंक्वायरीज आती है सोशल मीडिया से वो तुरंत ही वो कन्वर्ट हो जाए। समटाइम इट टेक द मंथ्स और इवन अ ईयर और टू ईयर। मेरे ऐसे कई वेबिनार्स और सेमिनार्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं, और ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट हैं जो मेरे कम्युनिटीज़ में, जिन्होंने 1 साल बाद, 2 साल बाद, किसी ने 6 महीने बाद मेरा कोई कोर्स लिया या कंसल्टिंग ली, बिकॉज कंसिस्टेंटली मेरा कॉन्टेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे एंड दे आर हैविंग अ लिटिल बिट ट्रस्ट इश्यू, और दे वॉज जस्ट इन अ मोड ऑफ थिंकिंग वेदर शुड आई गो इन टू द पेड कंसल्टिंग और पेड कोर्स ऑन ऑन। तो इसीलिए नर्चरिंग होते रहता है, तो वो लीड्स आपकी नर्चरिंग में भी आपको हेल्प करता है, जो आज नहीं तो कल जाके दैट लीड कैन बी गेट कन्वर्ट इन टू द क्लाइंट्स ऑल्सो। इट इज द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एक्टिव लिसनिंग। सोशल मीडिया पर आपका कॉन्टेंट अगर जाता है रेगुलरली कंसिस्टेंटली, तो इट विल क्रिएट अ सोशल लिसनिंग। पीपल स्टार्ट लिसनिंग एंड टू योर पॉडकास्ट और लिसनिंग टू योर कॉन्टेंट। उससे लिसनिंग होने के कारण आपका एक इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो आप जो भी बोलते हो अगर वो करेक्ट मेजरमेंट में रहता है तो पीपल हैव द वेरी डीपर इम्पैक्ट ऑफ योर कॉन्टेंट। तो पीपल आर लिसनिंग टू यू, दे आर जजिंग यू बेस्ड ऑन योर कॉन्टेंट। तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट वॉट द पीपल आर सेइंग अबाउट यू। तो वहाँ लोग आपके बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिटीज में, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। आप बुरा काम कर रहे हो, आप कुछ भी डाल दो कॉन्टेंट के कॉन्टेंट कुछ भी आप डाल दें, तो उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक आ सकते हैं। तो वॉट द पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, वॉट द पीपल आर थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एज अ पर्सनल ब्रांड और एज अ कंपनी ब्रांड, तो वो आपको पता चल जाता है, लोगों की फीडबैक मिलना शुरू हो जाती है। तो पीपल लिसनिंग। पांचवा आता है सोशल मीडिया हेल्प इन टू द ब्रांडिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन टू द कनेक्टिंग विद द पीपल। आपको नई नए लोगों से कनेक्शंस मिलते हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नॉट नेसेसरी कि आप अगर कंसल्टिंग में हो तो आपको सिर्फ क्लाइंट मिलेंगे, हो सकता है आपको कोई बड़े कंपनीज वाले भी कनेक्ट कर ले सामने से। दे कैन अपॉइंट यू फॉर सम सेशंस, दे कैन अपॉइंट यू फॉर द 1-to-1 सेशन, दे कैन अपॉइंट यू फॉर द ग्रुप कंसल्टेशन, दे कैन अपॉइंट यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर, दे कैन अपॉइंट यू एज अ जॉब ऑल्सो। तो दैट इज अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इफ यू आर द क्रिएटर, और इवन इफ यू आर पोस्टिंग योर कॉन्टेंट इन टू द सोशल मीडिया विद क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन टू द ब्रांड बिल्डिंग। छठा है इट मेजर द मार्केटिंग एफर्ट। तो आप जब कंसिस्टेंटली एक कॉन्टेंट डालते हो तो यू कैन मेजर योर एफर्ट, कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ कि उस हिसाब से सामने से कॉन्टेंट डिलीवरी के बाद कुछ मेरा आउटकम आ रहा है कि नहीं। तो सोशल मीडिया में एनालिटिक्स रहते हैं, लिंकडिन पर है कि नहीं, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर भी है शायद, तो लेकिन इंस्टाग्राम में तो पक्का है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हो कि कितने लोग मेरे प्रोफाइल पे विजिट किया है। ये इंस्टाग्राम पे बिजनेस इंस्टाग्राम डालते हो तब आपको वो मिलता है वो फीचर फ्री में भी। तो यू कैन चेक योर एनालिटिक्स एंड बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स व्हाट आर द ग्रुप पीपल्स, व्हाट आर द पीपल आर विजिटिंग योर प्रोफाइल, आप कहीं ना कहीं पे अपनी मार्केटिंग एफर्ट को मेजर कर सकते हो। द 7th इज द अथॉरिटी बिल्डिंग। जब सोशल मीडिया के ऊपर आप बारंबार कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो आपका कंटेंट, तो देन स्लोली एंड स्टेडिली यू स्टार्ट क्रिएटिंग द अथॉरिटी इन दैट नीश। तो
तो पीपल विल लुक अप टू यू एज अ एक्सपर्ट ऑफ दैट अथॉरिटी, आई मीन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड और अथॉरिटी इन दैट सेगमेंट। मेरे बारे में यही होता है कि मैं जितना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी पे डालने लगा, पीपल प्रीव्यू मी एज एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट डालता था वास्तु के ऊपर में, वास्तु की इंक्वायरी आती थी। तो आप कैसा कंटेंट डालते हो उस हिसाब से लोग आपको आपको देखते हैं एज एक्सपर्ट, एज अथॉरिटी। तो सेवेंथ इम्पॉर्टेंट इज इट क्रिएट अ वेरी गुड ब्रांड बिल्डिंग। एट पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ आपको समझ में भी आता है कि लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं उसको कैसे कोचिंग करनी वर्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट से, टू स्लोली एंड स्टेडली यू बिकम द लीडर एंड यू स्टार्ट ड्राइविंग द टीम ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो आपके जो फॉलोअर हैं, अगर आप सही काम करोगे तो लोग आपको फॉलोअर करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे भी, आपका कॉन्टेंट को अच्छा ही पॉजिटिवली लेंगे। अगर आपने ऑब्वियसली देयर आर फ्यू नेगेटिव पीपल ऑल्सो, आप कितना भी अच्छा कंटेंट डालो वो नीचे नेगेटिव ही डालेंगे, तो उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो यू ऑलवेज ड्राइव द पीपल टू द लीडरशिप क्वालिटी एंड यू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी बाई इवन क्रिएटिंग अ प्रॉपर कॉन्टेंट, एंड दैट विल हेल्प यू टू नर्चर योर ऑडियंस ऑल्सो, ग्रो योर ऑडियंस। जहाँ अगला पॉइंट आता है ग्रोइंग योर ऑडियंस, तो आप इसे अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं आपका कंटेंट या आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज हर किसी को जरूरी है। मेरी न्यूमरोलॉजी, हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, लोगो डिजाइनिंग में जरूरी नहीं हर कोई बिजनेसेस या इंडिविजुअल ले सके, पर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस है जो ये प्रोडक्ट में रुचि रखती है। तो मैं उसको ही कहते हूँ, तो मेरे जो जेन्युइन फॉलोअर रहेंगे अगर बॉट नहीं लगाए हैं, तो आई एम बीन कैटरिंग टू द स्पेसिफिक ऑडियंस एंड ग्रोइंग माई ऑडियंस। तो दैट इज द अनदर पॉइंट। टेंथ इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग द फॉलोअरशिप, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग योर कम्युनिटी। जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई है, अभी तो नाम उसका रखा है लर्न ऑकल साइंस ऑन द फेसबुक। यू कैन जॉइन माई कम्युनिटी, फ्री टू जॉइन। वहाँ डिस्कशन, पोस्टिंग, कॉन्टेंट होते रहते हैं, यही सारे हैंड राइटिंग, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सिग्नेचर साइंस, ऑकल साइंस के बारे में सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो जो लाइक माइंडेड लोग हैं, और लाइक माइंडेड लोग जब आती है तभी कम्युनिटी अच्छी बिल्ड होती है, और उसकी एंगेजिंग भी होनी चाहिए। तो इन अ वे यू क्रिएट अ फैमिली बॉन्डिंग व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। इलेवेंथ, यू जनरेट अ यूनिक कॉन्टेंट इफ द पीपल आर डिमांडिंग। तो अगर आपको पता चल जाता है अपने एनालिटिक्स के थ्रू के लोग क्या बोलते, तो आप अपना यूनिक कॉन्टेंट बना सकते हो जो शायद किसी ने नहीं बनाया। लाइक इन माई केस, आई हैव क्रिएट अ मेडिकल ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक कोर्स मैंने निकाले ग्राफोलॉजी के अंदर में, क्योंकि नॉर्मल ग्राफोलॉजी यानी हैंड राइटिंग साइंस, पीपल वर जस्ट क्रिएटिंग द बेसिक कोर्स इन हैंड राइटिंग साइंस, बेसिक एडवांस, जिसको हम लोग लेवल 1 एंड 2, लेवल 3 एंड 4 बोलते हैं। तो लोग यही करते हैं, मैंने थोड़ी यूनिकनेस दिखाई। आई क्रिएट मेडिकल ग्राफोलॉजी फॉर द एडवांस स्टूडेंट, के हैंड राइटिंग से एलिमेंट कैसे जान सकते हैं, क्या रोग होने वाले हैं। आई क्रिएट द कोर्स फॉर द किड्स फॉर द स्कूल गोइंग। आई क्रिएट द कोर्स फॉर द MBA स्टूडेंट्स। आई क्रिएट द कोर्स फॉर द प्रोफेशनल्स, कि कैसे अपने प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाया जा सकते हैं, लीडरशिप स्किल को बढ़ाया जा सकता है। मैंने एक यूनिक कोर्स बनाते गए, क्योंकि मुझे जितना सिग्नल मिलते रहा अपने कॉन्टेंट से, मुझे समझ में आ गया ये कॉन्टेंट ज़्यादा काम करेगा, किसी ने बताया नहीं था। तो द मोर यू क्रिएट द कॉन्टेंट, यू गेट द आइडियाज। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस, यू कैन क्रिएट अ यूनिक सेट ऑफ कॉन्टेंट, जो मैंने बनाया है। 12वां है, यू आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द फ्यू पीपल। क्योंकि कई लोग आपको देखते हैं, कई कंपनीज के CEO, VPs, MDs, चेयरपर्सन, कोई मिनिस्ट्री, उनके आपके ऊपर नजर जरूर रहती हैं, भले वो कमेंट करे ना करे, लाइक करे ना करे, शेयरिंग करे ना करे, चाहे आपके कनेक्शन में हो, आपका कंटेंट देख रहे हो, वो आपको जज कर रहे हो, चाहे जो स्टॉक वाले आपको देख रहे हो, चाहे टेडेक्स वाले आपको देख रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं वो कमेंट करे तो ही वो देख रहे हैं। कई लोगों की नज़र आप पर रहती है। द टॉप माइंड्स और टॉप मैनेजमेंट आर ऑल्सो लुकिंग अपॉन यू। द टॉप बिजनेस, द टॉप जॉब सीकर्स, आई मीन द जॉब पेयर्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट योर कॉन्टेंट। Based on the content, based of your influence, they may call you earlier or later. And because of that, you are also building a connection in the future with the top influencers also. It can be celebrity, it can be YouTuber, it can be a big sort personality in ministries or any other segment. So you are creating the influence and getting the space into the mind of the top management or a class of people or influencers or YouTubers or a good person. So
In that way, you are creating an emotional bondage and creating a specific space. ठीक है, मुझे याद है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने जब कंटेंट लिखना शुरू किया, मुझे पता नहीं था कि लिंक्डइन पर कई लोग मुझे फॉलो करते हैं। जैसे लिंक्डइन पर मैंने एक कैंपेन रन किया था, ठीक है, उससे क्या हो गया कि जब मैं उनसे कनेक्ट करा था वन टू वन में, तो उन लोगों ने कहा, अरे मैंने आपका कंटेंट पहले से देख रहा हूँ, यू आर अमेजिंग इन टू द, यू हैव द लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो मतलब आपको कैसे पता चला? तो इसका मतलब वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे लिंक्डइन के ऊपर मेरे कंटेंट के कारण, और मुझे पता ही नहीं था। देयर वर द बिग शॉट पीपल हैविंग द वीपी सीईओ बिग कंपनीज डायरेक्टर्स। तो इससे समझ में आता कि आपकी इन्फ्लुएंस कितनी स्ट्रांग होती है जब आप कॉन्टेंट अच्छी तरीके से डालते हो। नॉट नेसेसरी कोई वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, मेरी जितने भी अभी कॉन्टेंट है रॉ फॉर्मेट में है। मैं इंस्टाग्राम पर अभी लाइव हूँ और इसको रिकॉर्डिंग के बाद मैं उसको डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर अगर रील है। तो नॉन नेसेसरी कि आपका जो भी कंटेंट है वो आपको उसको एडिटिंग ही करना है, जैसे भी आपका कंटेंट बना सकते हैं उसको हम रॉ फॉर्म में भी पब्लिश कर दूँ और देखिए उसकी इफेक्ट कितनी स्ट्रांग रहती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 12 पॉइंटर्स ऑन द हाउ टू यूज द सोशल मीडिया इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग द पीपल एंड हाउ इट्स हेल्प एंड इन्फ्लुएंस इन टू द ब्रांड बिल्डिंग। आई होप दिस 12 पॉइंटर्स गिव सम आइडियाज why and how to build a influence on social media and create a proper brand promotion and build a brand. So that's all for today. Aapko milta hu agle video mein, again in a theme of brand building and brand promotion.